गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारा सी वेराइटी का मदर प्लांट है पिंक। ये पिंक वेराइटी है, रेड बोलते हैं उसको भी। अब दूसरी जो हमारी जंबो रेगुलर वेराइटी है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मेजर, साउथ गुजरात के लिए इसमें क्या फ़ायदा रहेगा ये आपको बताता हूँ। साउथ गुजरात में जहाँ हैवी रेनफॉल है वहाँ पे फंगस का बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली जुलाई में जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेट होगा उसमें, तो जहाँ भी हैवी रेनफॉल रहेगा वहाँ पे फंगस का फ्रूट के ऊपर ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है, वो बाद में आपको बताता हूँ। अभी ये जो है फ्रूट्स का जो वेराइटी है उसमें आप देखिए, उसमें बिल्कुल फंगस नहीं है, बहुत ही अच्छा फ्रूट सेट हो रहा है और उसमें कोई स्पॉट फंगस का हमको इतना हैवी रेन है फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहुत कम है। आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए और देखिए बहुत कम है और इतना वाटर लॉगिंग है, देखो ड्रेनेज नहीं है, वाटर लॉगिंग है, फिर भी इसमें अच्छा रिजल्ट हमको यहाँ पे मिला। अब ये हमारा सी वेराइटी का मदर प्लांट है तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा फंगस के लिए उसका प्रोडक्शन और दूसरा क्लाइमेट में टेम्परेचर सहन करने की शक्ति, ग्रोथ सब अच्छा ही है। तो एक फ़ायदा हमको इसमें दिखाई पड़ रहा है कि इसमें फंगस कम आ रहा है कंपेयर टू दूसरी वेराइटी, तो ये अपने लिए साउथ गुजरात के लिए अच्छा रहेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी तो अच्छा परफॉर्मेंस बता रही है। अब आपको मैं दूसरा जो हमारा पिंक वेराइटी है बड़ी साइज़ वाला उसका आपको बताता हूँ। वो भी बहुत बढ़िया वेराइटी है, फ्रूट साइज़ बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है उसका। सिर्फ ड्रॉबैक एक ही है साउथ गुजरात के लिए कि जहाँ हैवी रेन है जुलाई महीने में ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, वो एक फॉल इसमें ज़्यादातर स्पॉट्स हमको फ्रूट्स के ऊपर आएंगे, जैसे ये आप देख लीजिए, ये थोड़े एक बैच में ज़्यादा आने की संभावना है। जैसे हमको ये दिखाई पड़ रहा है ये फंगस के जो स्पॉट्स हैं वो हमको दिखाई पड़ते हैं। ये भी बहुत बढ़िया वेराइटी है लेकिन ये दो वेराइटी का हम कंपैरिजन करेंगे तो फ्रूट्स के ऊपर क्वालिटी हमारा बिगड़ता है तो उसका रेट बहुत आधा हो जाता है। तो अभी तो ये इतना एक अंदाज आया है नया वेराइटी का कि वो हैवी रेनफॉल में अपने को फंगस रेजिस्टेंस ही थोड़े अच्छी बता रही है। तो ये हमारा जंबो पिंक का है, वो भी बहुत बढ़िया वेराइटी है, अभी उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अपने साउथ गुजरात के लिए ड्रॉबैक यही है कि उसका फंगस थोड़ा सी वेराइटी से ज़्यादा आ रहा है, बस बाकी तो अच्छा वेराइटी है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।